अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज अभी हम लोग आए हैं एक जगह पे फिर से खाने के लिए, लेकिन आज बुल्टी नहीं है हम लोग के साथ। तो अभी मैं, बाबीस और दीदी आई हूँ, एंड ये गरियाहाट में ही है क्योंकि अभी 9:15 हो गया था, तो सोची कि आसपास में ही कर लेते हैं, कुछ कहीं जाके खा लेते हैं। थोड़ा सा बाबीस बोल रही थी कि पहले वो बोली कि बिरयानी खाएंगे, फिर बोली कि नहीं चलो दूसरा कुछ खाते हैं। तो अभी कहाँ पे आई हूँ दिखाती हूँ। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे द वोक करके, ये रेस्टोरेंट एक छोटा सा ही जगह पे बना हुआ है। मेन्यू तो पता ही चल रहा है कि यहाँ पे चाइनीज ही मिलेगा, बट लेट्स सी अंदर का एम्बियंस कैसा है। मेन्यू और अब देखते हैं कि क्या क्या लेंगे। थोड़ा सा मेन्यू भी मैं दिखा दे रही हूँ क्या क्या है, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। पूरा मेन्यू मैं नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। अभी ऑर्डर कर दिया है, हम लोग का एक एक करके खाना आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिए हैं दो आला काठे आइटम लिए हैं, एक स्टीम्ड मोमो और एक कॉम्बो है जो नूडल्स और राइस, उसके साथ 4 पीसेस ऑफ हॉट गार्लिक चिकन। मैं भी एक कॉम्बो ली हूँ, उसमें एक क्लियर सूप है, 4 स्टार्टर आइटम है, 2 वेज 2 नॉन वेज, एंड अगेन उसके साथ राइस और नूडल्स, कोई भी एक मेन कोर्स ले सकते हैं, और उसके साथ 4 पीसेस ऑफ चिकन का एक साइड डिश मेन कोर्स का, एंड कोल्ड ड्रिंक। तो ये है, ये लास्ट जो कॉम्बो मैं बताई है, इसका प्राइस है 249। ये है चिकन स्टीम्ड मोमो, एंड साइज इस तरह का है, थोड़ा सा छोटा छोटा साइज दिया हुआ है मोमो का, इस तरह का 5 पीसेस आना है एक प्लेट में, उसके साथ ये वेजिटेबल सूप है क्लियर, एंड इसका प्राइस है 80 रुपीज़ चिकन स्टीम बॉल। तो चिकन का स्टफिंग देखते हैं कैसा है, वेरी जूसी फ्रॉम इनसाइड, और इसमें पूरा भर के एकदम चिकन का स्टफिंग दिया हुआ है, देख ही पा रहे इस तरह पूरा एकदम जूस गिर रहा है मोमो से। मोमो का टेस्ट बहुत अच्छा है, एक मुझे हल्का सा एक बटरी टेस्ट आ रहा है, पता नहीं बटर दिया हुआ है कि नहीं, बट बहुत अच्छा टेस्ट है। आई थिंक चिकन फैट का 10 out of 10 मोमो का रेटिंग। क्लियर सूप तो एकदम नॉर्मल क्लियर वेजिटेबल सूप है, इसमें ऐसे छोटे छोटे वेजीज है, तो इसको भी देखते हैं। नॉर्मल जैसा सूप होता है वैसा ही। अच्छा, अब कॉम्बो का स्टार्टर आइटम आ गया है, तो उसको भी दिखा देती हूँ। तो इस कॉम्बो में है 2 पीसेस ऑफ चिकन लॉलीपॉप, 2 फ्राइड चिकन मोमो, क्रिस्पी चिली पोटैटो, एंड 2 फ्राइड चिकन वॉन्टन, आई थिंक ये है, एंड इसके साथ ये चिकन क्लियर सूप तो है, इस तरह का पूरा चिकन से भरपूर। बस ये सब एक एक करके करते हैं ट्राई, एंड अभी मेन कोर्स आ रहा है। क्लियर सूप ट्राई कर रही हूँ जो स्टार्टर में पहले दिया है, तो इसमें इस तरह का छोटा छोटा चिकन का पीसेस है, एंड अच्छा खासा क्वांटिटी है चिकन का। चिकन सूप का जो चिकन है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी है, क्लियर सूप है, बट सूप का टेस्ट फिर भी अच्छा है। क्लियर सूप है इसलिए सूप का कंसिस्टेंसी पतला है, बट चिकन बहुत सॉफ्ट एंड जूसी है, चिकन का जो चंक्स है सूप में, एंड सूप का टेस्ट इटसेल्फ भी अच्छा है। एंड हम लोग का मेन कोर्स भी आ गया है, उसमें एक है ये एग राइस विद एन ऑमलेट ऑन द टॉप, और इसमें है ये 4 पीसेस ऑफ हॉट गार्लिक चिकन। तो ये है पूरा कॉम्बो, एंड इस कॉम्बो का प्राइस है 249। इसमें अब ये है 249 वाला कॉम्बो, एंड इसका स्टार्टर में अभी मैं सबसे पहले ट्राई कर रही हूँ चिली पोटैटो, क्रिस्पी चिली पोटैटो। वीडियो करते करते थोड़ा सा ठंडा हो गया, बट फिर भी पोटैटो में वो क्रिस्प समझ में आ रहा है, एंड क्रिस्पी चिली पोटैटो है तो हल्का सा तीखा भी है, एंड टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, 9 out of 10। एंड चिकन लॉलीपॉप, अंदर में चिकन एकदम पूरा फुल जूसी चिकन है, ये एक विंग से 2 लॉलीपॉप बना हुआ है, इसलिए साइज थोड़ा सा छोटा है, बट लॉलीपॉप का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चिकन लॉलीपॉप भी हल्का स्पाइसी ही होता है, वो स्पाइस का किक आ रहा है मुंह में देते ही।
चिकन लॉलीपॉप इज 10 आउट ऑफ 10 ट्राई करते हैं बहुत ज्यादा जूसी है चिकन. एक्चुअली चिकन का क्वालिटी बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंड पूरा फुल चिकन का स्टफिंग दिया हुआ है. फ्राइड मोमो भी 10 out of 10 बहुत अच्छा. जैसे सूप ट्राई कर देती हूँ. सूप मुझे बहुत अच्छा लगा. जनरली चिकन क्लियर सूप, जो सूप में चिकन इतना सॉफ्ट मैं नहीं खाई हूँ क्योंकि वो बॉयल रहता है तो थोड़ा सा हार्ड वो हो जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. प्लेट साफ होएगा से और दीदी को इतना झाल लगा है हॉट गार्लिक, इतना बहुत ज़्यादा तीखा लग गया है. अभी खाली पानी पी रही है खा के. एंड अभी मैं ये मेन कोर्स ट्राई करूँगी, तो इसमें ये एग राइस एंड उसके साथ ये हॉट गार्लिक चिकन. इस तरह का चिकन का पीसेस दिया हुआ है एंड ऐसा 4 pieces ऑफ चिकन है इसमें. देखूँगी जितना खा पाऊँगी खाऊँगी, नहीं तो फिर पैक कर दूँगी. ये 3 piece मोमो खा के बोल रही है पेट भर गया है. थोड़ा सा कैप्सिकम. सबसे पहले थोड़ा सा एग फ्राइड राइस मैं सूखा ही ट्राई कर रही हूँ. अच्छा क्वालिटी का ये राइस यूज़ किया है. थोड़ा सा लंबा लंबा ही राइस है एंड इसमें काफ़ी वेजेस दिया हुआ है भर के एंड एग थोड़ा ऐसे स्क्रैम्बल तो है ही, ऊपर से ये इतना बड़ा एक ऑमलेट भी है. एग राइस भी बहुत अच्छा है. 9 out of 10 है कि क्या है. चिकन बहुत ही सॉफ्ट है. हल्का सा मैं चम्मच से प्रेस की एंड भूल गया. हॉट गार्लिक चिकन का चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है एंड ऊपर का जो चिकन का जो कोटिंग है बहुत ही पतला कोटिंग दिया हुआ है एंड अंदर में फुल पूरा चिकन है. चिकन का ग्रेवी के साथ राइस. हॉट गार्लिक चिकन को अगर मैं अलग से रेट करूँ तो इसका भी टेस्ट 9 out of 10. राइस का क्वांटिटी मैं दिखा रही हूँ इतना है. ये आई थिंक हाफ प्लेट एग राइस है. ये आई थिंक ये इतना राइस मैं खा पाऊंगी. थोड़ा शेयर भी करेंगे. ये है हम लोग का सेकेंड कॉम्बो आइटम. इसमें हम लोग लिए है एग नूडल्स एंड उसके साथ 4 pieces ऑफ हॉट गार्लिक चिकन. ये एक ऑमलेट दिया है एंड ये है नूडल्स. तो थोड़ा सा मोटा ही नूडल्स दिया है इसमें. दीदी ऑर्डर की है एंड वो टेस्ट करेगी. चलो ओटा टेस्ट करे बोलो केमनी. इसमें भी छोटा छोटा ऐसे एग का स्क्रैम्बल्स दिया हुआ है. नूडल्स का टेस्ट बहुत ही एक सटल टेस्ट आ रहा है बट बहुत अच्छा भी लग रहा है नूडल्स. एंड उतना स्पाइसी कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है. थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें है बट स्पाइसी उतना नहीं लग रहा है. एंड ये है हॉट गार्लिक चिकन. तो इसका ग्रेवी बस अभी थोड़ा सा मैं टेस्ट करके बता रही हूँ. थोड़ा सा बस ग्रेवी के साथ. इस कॉम्बो का आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग करना है तो 8 out of 10. 2 pieces हॉट गार्लिक चिकन अभी भी बचा हुआ है, इसको मैं पैक करवा ले रही हूँ. दीदी को जो दीदी इतना झाल लग रहा है बोल रही है नहीं खाएगी, तो इसमें भी 2 pieces है तो टोटल कैमरा में देख के मैं इस बोल से इस बोल में ट्रांसफर कर रही थी. बाहर में ही गया पूरा चिकन. ये हम लोग का चिकन पैक होके आ गया है पार्सल एंड थोड़ा सा बस कोल्ड ड्रिंक से कि हो ना मैं हस्तिश करना. और दीदी एकदम झाल नहीं खाती है. अभी इतना सारा मिर्चा लेके दे दिया प्लेट में कोल्ड ड्रिंक खाने. तो ओवरऑल मैं जो कॉम्बो ली हूँ 249 वाला
उसको अगर मैं आउट ऑफ 10 ओवरऑल पूरा कॉम्बो का अगर मैं रेटिंग करूँगी तो उसको मैं 9 out of 10 दूंगी, क्योंकि कॉम्बो का खाना सच में बहुत अच्छा था। एंड ये एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है गड़ियाहट एरिया में, एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड दिस इज द बिल, का टोटल हुआ है 533 इंक्लूडिंग GST। एंड हम लोग 3 लोग खाए, इतना सारा आइटम था, फिर भी हम लोग को ओनली 533 लगा, क्योंकि जो दीदी जो कॉम्बो ली थी वो 169 का था, स्टीम मोमो 80 रुपीज़ का, एंड मेरा जो कॉम्बो था वो 249 का था। एंड इस दुकान में पहले भी मैं और बुल्डिया के एक और वीडियो करके गई हूँ, उसमें हम लोग 499 वाला कॉम्बो लिए थे जो शेयरेबल फॉर 2 पर्सन है। तो जो मैं 249 का कॉम्बो खाई, सेम वही कॉम्बो 499 में शेयरेबल फॉर 2 पीपल है। एंड उसमें हर चीज़ का क्वान्टिटी डबल हो जाता है, मतलब स्टार्टर्स का सारा क्वांटिटी डबल हो जाता है उसमें, सूप भी 2 देते हैं उसमें। आज का ये बस एक छोटा सा ही मैं फूड ब्लॉग बनाई, पिछला वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग देखने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे फिर अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।